अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे आज दोपहर में। सबसे पहले हेडलाइंस। दीप चलाकर दिवाली मनाकर प्रभु राम का अभिनंदन। किरतपुर नेरचौक फोर लेन पर दो बड़े हादसे, चार लोग गंभीर रूप से घायल। भारतीय जनता पार्टी ने फूंका चुनावी शंखनाद। बारिश न होने से किसानों में मायूसी। सब्जी मंडी के पास रेड़ी फड़ी वालों पर होगी कार्रवाई। और अब खबरें विस्तार से। किरतपुर नेरचौक फोर लेन पर सुंदर नगर के डेहर में एक के बाद दो सड़क हादसों में चार लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का मामला सामने आया है। दोनों सड़क हादसे फोर लेन सड़क पर गलत लेन में गाड़ी ले जाने के साथ हुए हैं। दोनों हादसों में गंभीर रूप से घायल तीन व्यक्तियों एवं एक युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से एक युवक और युवती को उपचार के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज और दो अन्य को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। डेहर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से साइड हटाकर दोनों हादसों में गलत लेन में गाड़ी लाते हुए हादसा करने को लेकर पिकअप चालक और कार चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। डीएसपी सुंदरनगर भारत भूषण ने मामले की पुष्टि की है। ग्राम पंचायत तरसू के अंतर्गत पड़ने वाले गांव इलेवाल एवं तरसू में अयोध्या धाम से आए अक्षत एवं निमंत्रण पत्रों को घर घर जाकर वितरित करने का शुभारंभ इलेवाल निवासी श्री रामधन चौहान जी के घर से विधि पूर्वक अर्चना पूजा मंत्रोच्चारण कन्या पूजन एवं रामधुन के साथ किया गया। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों का उत्साह देखने ही बनता था, पूरा वातावरण ही राममय हो गया था। अक्षत वितरण के साथ सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया। इसके साथ ही 22 जनवरी को सभी लोगों को सामूहिक रूप से किए जाने वाले भंडारे जो कि इलेवाल सोसाइटी राशन डिपो में लगाया जाएगा, सभी राम भक्तों को आमंत्रित किया गया। अभी तक जिन घरों में निमंत्रण पत्र अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें अगले एक या दो दिन में निमंत्रण पत्र पहुंच जाएंगे और अक्षत पहुंचाने का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के शुभ दिवस पर सभी घरों में शाम के समय दीप जलाकर दीपावली मनाकर प्रभु राम का अभिनंदन करने का आग्रह किया गया है। हमारे ग्राम पंचायत त्रसू के इल्लेवाल और त्रसू गांव में बहुत ही एक राममय माहौल रहा। पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर के भगवान राम की अयोध्या नगरी से आए हुए अक्षत और निमंत्रण पत्र बांटने के लिए घर से निकल पड़े। सबसे पहले इस काम की शुरुआत इल्लेवाल गांव से श्री रामधन चौहान जिसके घर लड़के की शादी है उसके आग्रह पर वहाँ से की गई। पूरी पूजा अर्चना और राम है संगीत के साथ वहाँ कन्या पूजन भी किया गया और उसके बाद हमारा जो काफिला था वो निकल पड़ा। घर घर जाके हमने राम की अलख जगाई, लोग बहुत प्रसन्न हुए, लोगों ने बहुत उत्सुकता प्रकट की। उनको निमंत्रण दिया गया, उनको कहा गया कि अयोध्या जी 22 तारीख के बाद जब भी आपका समय लगे तो जाकर के भगवान राम के वहाँ आप दर्शन करें। तो जैसे जैसे हमारा काफिला आगे बढ़ता गया वैसे और कारवां जुड़ता गया, महिला पुरुष बच्चे कुल मिलाकर के पूरा जो हमारे इल्लेवाल और त्रसू गांव का जो वातावरण था वो इतना भावमय हो गया कि कह नहीं गया। बल्कि एक व्यक्ति तो यहाँ तक कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज भगवान राम हमारे घर ही आ गए हों। लोगों को 22 तारीख का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है कि कब 22 तारीख आए हम भगवान राम लला के जो हैं उसके वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा उसके दर्शन करें। इसके लिए हमारे इन दो गांवों ने 22 तारीख को एक विशेष तौर पर एक भंडारे का आयोजन भी किया है क्योंकि यह खुशी का मौका है। उस दिन वहाँ LED वगैरह लगा करके लोगों को उसका जो सीधा प्रसारण आएगा उसको भी दिखाया जाएगा और इसके अलावा पूरे जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं उनको भंडारे के लिए आमंत्रित किया गया है। मेरा आग्रह है सभी से कि वो सभी यहाँ आएँ और आकर के भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की उसको भी देखें और उसके साथ साथ भंडारे का आनंद भी लें।
लोकसभा चुनाव को लेकर हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी शंखनाद फूंक दिया है। मंगलवार को ऊना जिला मुख्यालय पर स्थित भाजपा के कार्यालय दीप कमल में संयुक्त मोर्चा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर सहित वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में हिस्सा लेते हुए सातों मोर्चों के पदाधिकारियों को बैठकों की आगामी गतिविधियों से अवगत करवाया। वहीं बैठक के दौरान पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने सभी मोर्चों को जिम्मेदारियां सौंपते हुए केंद्र सरकार की 10 वर्षों की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। चाहे वो स्कूल बंद किए, कॉलेज बंद किए, लगभग 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में हमने डिनोटिफाई किए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी ने खोले थे, और उसी के अंतर्गत जनमंच एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस कार्यक्रम में लोग आते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे और मौके पर समस्याओं का समाधान होता था मंत्री की उपस्थिति में, अधिकारियों की उपस्थिति में, और उस कार्यक्रम को भी बंद कर दिया गया। अब सरकार आपके द्वार इस प्रकार से कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, मैं नहीं समझता हूँ कि नया कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पुराना कार्यक्रम है जो चला हुआ था, और चला हुआ होने के साथ साथ में सफल कार्यक्रम नहीं हो पाया था। जनमंच एक सफल कार्यक्रम था जिनको उन्होंने द्वेष की भावना के साथ बंद किया है, राजनीतिक मकसद के साथ बंद किया है। हिमाचल प्रदेश में तो बड़ी सीधी सी बात है कि छोटा प्रदेश है, और जिस प्रकार मोदी जी की लोकप्रियता अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, जिन राज्यों में चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की 3 राज्यों में बहुत शानदार जीत हुई है, और शानदार जीत के पश्चात निश्चित रूप से पूरे देश में एक माहौल बना है, और ऊपर से भगवान रामचंद्र जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद रामलला जी विराजमान हो रहे हैं 22 तारीख को, इसके कारण भी एक बहुत एक पॉजिटिव एनर्जी जो है पूरे देश भर में उस दिशा में है। इन सभी चीज़ों की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और हिमाचल प्रदेश का योगदान उसमें 4 की 4 सीटों का रहेगा। जिला सोलन के किसान बीते 4-5 महीनों से बारिश न होने के चलते परेशान हैं। सोलन के नौणी, अणु, धरजा, घट्टी, कोठो सहित अन्य क्षेत्रों में किसानों ने अपने खेतों में मटर, लहसुन, सरसों, मूली, शलगम, गाजर आदि फसलें लगाई है, परंतु बारिश न होने की वजह से अब ये फसलें पीली पड़ने लगी है। सूखी ठंड और पाले के प्रकोप से फसलें खराब हो रही हैं, जिसके कारण किसान मायूस नजर आ रहे हैं। किसानों ने बताया है कि इन दिनों हमारे खेतों में सरसों, लहसुन, मटर, गोभी, मूली, शलगम आदि फसलें लगी है, परंतु बारिश न होने के चलते अब फसलें खराब हो चुकी हैं, और पानी वाली जगहों में 30% तक सूखी ठंड का असर फसलों पर साफ नजर आ रहा है। जिन जगहों पर पानी की कमी है वहां 90% तक फसलें खराब हो चुकी हैं। अगर आगामी दिनों में भी बारिश नहीं हुई तो किसानों की फसलें पूरी तरह खराब हो जाएगी, जिससे खासा नुकसान हो जाएगा। नुकसान तो बहुत ज्यादा हो रहा है। फिर जैसे लोन लेते हैं हम बैंक से, तो उसको देने में बड़ी कठिनाई हो रही है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है समय पर। फिर खेती जो लगी भी हैं वो भी सूख रही हैं पानी की ना वजह, बारिश ना होने से। तो जिम्मेदार के लिए तो बहुत मुश्किल आते हैं, बहुत ज़्यादा बहुत फायदा होता है बर्फ गिरने से। एक तो जमीन के जो कीड़े होते हैं, जो तो मित्र कीड़े होते हैं चलो उनको तो फायदा होते हैं, जो दूसरे कीड़े होते हैं ना तो उनसे काफ़ी राहत पड़ती है बर्फ गिरने से। हाँ जी, पर इस बार तो ना बर्फ ना बारिश ना कुछ नहीं, बहुत बुरा हाल है जिंदा का। जो फसलें हैं भी वो भी सूख रही हैं, आगे का कुछ आसार ऐसे हैं, जबकि सर्दी में जो हैं वो बारिश खूब होनी चाहिए, आगे पानी की दिक्कत आ सकती है गर्मी में ना होने से। ये बस थोड़ा बहुत 1-2 घंटे के लिए चलता है पानी कर रहे हैं, फिरकी लगा के उसे पानी देना पड़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम रतनलाल है। कहाँ से हैं आप? मैं गांव का नाम अणु, अणु गांव पड़ता है, निर्मल ग्राम पंचायत नोनी पड़ती है। अच्छा जी, बारिश हो जाती है? पहले 2-3 साल पहले तो बहुत अच्छी बारिश होती थी, और पिछले साल भी थोड़ी सर्दियों में कम बारिश हुई, इस बार तो बिल्कुल ही नहीं हुई थी, तो हमारी ना कोई फसल लग सकी जो हमारे सर्दियों की फसल लगती थी, मटर नहीं लग पाए, खेतीबाड़ी ऐसे ही रह गई है, और अगली फसल का भी हमारे को कोई नहीं है कि हम लगा पाए उसको,
अगली फसल के लिए अगर बारिश नहीं हमारी अब तक खेतें खाली नहीं हुई क्योंकि पानी का सोर्स हमारे पास कम है थोड़ा, तो इसलिए हमारे पास अगली फसल लगाने का कोई साधन नहीं है अभी। पिछली जो फसल लगी थी उसी की खेतें खाली नहीं हुई, आपको यहाँ आपने देख लिया होगा कि खेतें खाली नहीं हुई अब तक, जब तक बारिश नहीं हुई तब तक नहीं। क्या कारण मानते हैं आप? कारण क्या माने, प्रदूषण का कारण हो सकता है जी, थोड़ा भूमि घटाव हमारा बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, पेड़ कट रहे हैं, तो इसी कारण हो सकता है जी। बाकी तो बाकी जो हमारे कंपनी चली है नदियों में पानी गिर रहे हैं केमिकल वाला, इससे भी दूषित हो रहा वातावरण हमारा, तो इसी यही असर पड़ सकता है जी। इसी का असर हो सकता है, असर हो सकता है जी। आपका नाम? मेरा नाम मुनीलाल है जी। सोलन सब्जी मंडी के आसपास इन दिनों छोटे व्यापारी अपनी रेड़ी फड़ी लगाकर बैठे हुए हैं। उन पर अब एपीएमसी सोलन शिकंजा कसने जा रही है। जानकारी देते हुए कृषि उपज मंडी सोलन के अध्यक्ष रोशन ठाकुर ने बताया कि आज एपीएमसी में आयोजित होने वाली पहली बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि जो अवैध रूप से यार्ड के आसपास अपनी दुकानें लगा रहे हैं उन पर किस तरह की कार्यवाही की जाएगी। अध्यक्ष रोशन ठाकुर का कहना है कि जितने भी छोटे व्यापारी मंडी के आसपास अपनी रेड़ी लगा रहे हैं उनसे अब एपीएमसी रेवेन्यू लेना शुरू करेगी। आज की बैठक में सभी सदस्यों के साथ मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा होगी और उसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि किससे कितना रेवेन्यू लिया जाएगा। अगर वह रेवेन्यू देने से मना करते हैं तो उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा। देखो, जो रेड़ी फड़ी वाले हैं और मंडी के आसपास जिन्होंने अपने खोखे लगाए हैं, अगर उन लोगों ने हमारी जमीन पर खोखे लगाए हैं तो मंडी रेवेन्यू वहाँ से ले रही है। और आज हमारी पहली बैठक है, इसमें हम सारे पुष्टि करेंगे कि वो मंडी को उसमें देते हैं हमारी जमीन पे। अगर उन्होंने अपना कोई व्यापार कर रहे हैं तो हम उनसे कुछ ना कुछ जरूर लेंगे। और आज की जो बैठक है, हमारी पहली बैठक है, इसमें हमने अभी 33 मदे और जो पिछली कार्रवाई है उसका हम वो कर रहे हैं। तो अब जो भी सारे मेंबर्स डिस्कस करेंगे, जो भी उसमें कुछ निकल के आएगा वो हम आपको उसके मीटिंग के बाद बता सकते हैं। अभी जो मदे हैं वो डिस्कस होनी है हाउस के अंदर। आज दोपहर में इतना ही, बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।